पता है एक बिगनर को कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आज यही एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन पे बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा आपसे, जो मैंने वेबिनार किया था उसमें हमने क्या चीज़ें सीखी थी, और मैंने सोचा थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपके साथ भी शेयर करूं कि हमने एक्चुअली कैसे प्रैक्टिस करने के लिए बताया था। जो मैं एक्चुअली टेक्निक्स बताता रहता हूँ वही टेक्निक थी मोस्टली, कि पेंसिल मेजरमेंट टेक्निक्स को कैसे इवॉल्व किया जाता है, दूसरे शेडिंग्स कैसे किया जाता है। तो ये देखिए, जैसे कि ये एक रेफरेंस लिया था, रेफरेंस इमेज देख सकते हैं आप, ये वाली रेफरेंस इमेज है, और ये ड्रॉ किया था और यूज़ किया था पेंसिल मेजरमेंट टेक्निक को। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, कि पेंसिल मेजरमेंट टेक्निक में आपको क्या करना क्या है। बेसिकली कि आपको बस वही दो लाइंस देखनी है, जो कि एक ये लाइन हो गई वर्टिकल लाइन एंड देन हॉरिजॉन्टल लाइन। ये दो लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी समझ अगर आपको हो जाएगी इन दो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन की, तो आप कोई भी फेस को बड़ी ईजिली बड़ी आसानी के साथ ड्रॉ कर पाएंगे। और यही हमने यहाँ पर भी किया था, ट्रांसफ़र किया था इसी वैल्यूज़ को, इनकी वैल्यूज़ को इस पेपर के ऊपर, एंड देखिए वैल्यूज़ को ऑप्ट किया था और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आए थे। जैसे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आउटलाइन ऑफ फेस साइड फेस से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो देखिए वो भी मैंने यहाँ पे बताया था कि ये एक रेफरेंस इमेज है, ठीक है, दिस वन इज़ द रेफरेंस इमेज, जो कि साइड व्यू से आप देख रहे हैं। उसमें भी वही काम किया है मैंने, कि दो लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, एंड देन इन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ किया इसी तरीके से, एंड देन उसको ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। ये देखिए ये वाला जो आप देख रहे हैं, तो बहुत आसान तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, आपको ऑप्ट यही करना है। 3/4 फेसेस पे भी हमने इसी तरह से प्रैक्टिस किया था, जैसे 3/4 फेसेस है ये देखिए, और इसमें भी यही काम किया, देखिए वर्टिकल लाइन एंड देन दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरीके के देखिए यहाँ पे रिजल्ट को ऑप्ट किया, ये वाले जो रिजल्ट आप देख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत आसान तरीका है, और आप किसी भी फेस की आउटलाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रोपोर्शन में हो। तो बिगनर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दो लाइंस, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड देन मेजरिंग इट फ्रॉम योर ओन पेंसिल और यू मे यूज़ योर एनी टूल, ठीक है। तो उससे आपका जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोपोर्शन है, या फिर हम ये कहें कि ऑब्जर्वेशनल जो आपका टेक्निक है या स्किल्स हैं ऑब्जर्वेशन करने की, वो धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं, और फिर धीरे धीरे एक स्टेज पे जाके आपको ये मेजरमेंट्स कम हो जाते हैं और आप सिग्निफिकेंटली ड्रॉ कर लेते हैं। बट मैंने ये ज़रूर देखा है कि बड़े से बड़े आर्टिस्ट जो हैं, जो लाइव पोर्ट्रेचर करते हैं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, वो लोग इस टेक्निक को बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि ये टेक्निक वहाँ पे भी यूज़ होती है जहाँ कोई और टेक्निक यूज़ नहीं होती, जैसे कि लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये टेक्निक आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, पेंसिल मेजरिंग टेक्निक। सो इसको ट्राई कीजिए, ठीक है, और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा। तो मैंने सोचा था कि छोटा सा एक वीडियो आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप लोग ये समझ पाएं कि हमने वहाँ पे कैसे प्रैक्टिस करी थी और आप भी कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस कीजिए और लर्न कीजिए, काफ़ी लोगों को ये हेल्पफुल हो रहा है मेथड, काफ़ी लोग बहुत अच्छा ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप भी करिए फ्रेंड्स। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस टेक्निक को इस्तेमाल करने का कोशिश कीजिए, तो आप बहुत अच्छे से इवॉल्व हो पाएंगे आउटलाइन ड्राॅइंग की जहाँ तक बात है। तो अभी फ़िलहाल इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।